अंतस योग में आपका स्वागत है। देखिए, मोटापा कम करना कोई आसान काम नहीं है। शरीर के एक्स्ट्रा चर्बी को निकालने के लिए नियमित व्यायाम, योग, स्ट्रेचिंग, कार्डियो एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ खिंचाव वाली एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपकी कैलोरीज तेजी से बर्न होती हैं। लेकिन इन एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अपने खान पान में कुछ ऐसी चीजों को शामिल कीजिए जिसमें कैलोरीज कम हो और उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो। तो आज से ही अपनी डाइट में लंच और डिनर से पहले शुरू करें आधा चुकंदर और एक गाजर। एक हफ्ते में आप परिणाम सामने पाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी साउंड चल रही है मौन पूर्वक। फुल बॉडी स्ट्रेच, फैट बर्निंग स्ट्रेचिंग, तो डिफरेंट स्टाइल में बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बॉडी शेप के लिए, इंच लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट, लोअर बॉडी की मांसपेशियों को स्ट्रांग करने के लिए, जिनको ज्यादा देर खड़े होने में बैठने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए। वाइब्रेशंस किसे कहते हैं, पॉजिटिविटी क्या कहते हैं, लेकिन आपका जीवन तो आपको अनुभव दे रहा है ना कि जिसको आपने माना, जिसकी वजह से अपना 20 साल बर्बाद किए, उन्होंने क्या क्या मोटा ताजा मन और मोटा ताजा शरीर दिया, ये तो दिखाई दे रहा है ना, या वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब यहाँ की वाइब्रेशन को पी लीजिए। जिसने सच्चे मन से समर्पण कर दिया उसे वेट लॉस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ होगा, अपने आप होगा यहाँ। और जो जबरदस्ती किया जाएगा, डाइट जबरदस्ती ली जाएगी, तो वो बात नहीं बनेगी। हाँ बताइए। हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैंने आपका आपको 7 दिसंबर से ज्वाइन किया था और मैं वर्किंग लेडी हूँ। मॉर्निंग सेशन मेरा वर्किंग रहता है, अदरवाइज ट्रैवलिंग भी बहुत रहता है। और मेरा वेट जब ज्वाइन किया था 101 था, राइट, और आज 98 हो गया, 98 हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और दूसरी बात मैम की ट्रैवलिंग करती थी ना, तो मेरे को घर, ट्रैवलिंग, फिर बिस्तर, खाना, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। जो जरूरी काम है करो, सो जाओ। आज ऐसी हालत है कि मैं खाने के, मतलब लंच के बाद 15-20 मिनट सोती हूँ, फिर कुछ ना कुछ मेरा करती रहती हूँ। इतना रिलैक्स फील होगा। बहुत बढ़िया, सब सब आपकी वजह से। तो आपको उम्मीद थी कि इतनी इम्प्रूवमेंट होगी आपकी बॉडी में? नहीं मैम, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैंने एक डाइटिशियन को ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको कुछ भी हो जाए 10,000 स्टेप चलना था, राइट। तो मैंने 10,000 शुरू भी किए, वो डाइटिशियन का सब डाइट चार्ट भी फॉलो किया, फिर साइड इफेक्ट क्या हुआ कि राइट नी में पेन शुरू हो गया। फिर फिजियोथेरा, वो हाँ ऑर्थोपेडिक को बताया, उन्होंने बोला कि आप इतने वेट है, आप इतना नहीं चल सकते। फिर मैंने ये सब बंद किया, फिजियोथेरापी किया। चलना मना करते हैं, इतने वेट में बहुत ज्यादा नहीं चल सकते आप, बिल्कुल। पर आज तो वो पेन भी चला गया मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनका जो भी चला है ना, वो से हर इंसान दिमाग पे रहता था कि ये हुआ, वो हुआ, ये पेंडिंग है, अब तो खत्म। इवनिंग सेशन के बाद तो पूरे रिलैक्स, हवा में उड़ रहे, कुछ ट्रैवलिंग का टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, वर्क प्लेस का कुछ नहीं, आनंद से जियो। मॉर्निंग में जो करना है शुरू कर दो, बस सिंपल। और आपकी वजह से मैडम, सही में। क्योंकि हर लेडी को स्वस्थ होके जीने का अधिकार है, राइट। परेशानियों को लेके क्या जीना, वो कोई जीना थोड़ना है, राइट। मुर्दा बन के नहीं जीना, जीवंत जीना है, एनर्जी के साथ जीना है, राइट। तो पूरे सेशन में हम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे एनर्जी जनरेट होगी, फिर कैसे उसे ऑर्गन्स में हम एक्सपैंड करेंगे, और फिर लास्ट में मेडिटेशन से समर्पण भाव, तेरी रजा। तुमने तो, मैंने आपसे पूछा भी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि बैक पेन कैसा है आपका। यस, तो बताइए। तो मैम बैक पेन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। मैं फुल सारी एक्सरसाइज जितनी आपने बोली है मैंने सारी एक्सरसाइज की है इन 2 दिनों में, जो आपका वीडियो देख के भी किया है। प्लस मैम
मैं अभी जो क्रिसमस की छुट्टियां दुबई में थी और जो मैं मॉल में स्मार्ट वॉच पहनती थी, स्मार्ट वॉच में दिखाता था कितना किलोमीटर चल रहे हैं, कितना है स्टेप चल रहे हैं। मैं 5 घंटे लगातार चली, मॉल में आप जाइए आपको पता भी नहीं चलता है। और घर पे आई तो मुझे लगा, अरे मैं यार इतना चली, मुझे बिल्कुल भी पेन भी नहीं हुआ। और उसमें 7-8 हजार स्टेप था और 4-5 किलोमीटर था जो है, तो वो जो मैं बिल्कुल दीवार, तो ये मैं अभी साक्षात इस 15 दिनों में मैं ये हूँ बिल्कुल भी फिट। 3 kg वेट गया मेरा। जैसे जैसे मैंने अभी इनको भी कहा है कि भाई याद रखना कि वो कह रही है कि खड़ा नहीं हुआ जाता 10 मिनट से, आपने भी यही कहा था कि दीवार पकड़ के चलती हूँ। मैम मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर, चूंकि उन्होंने अभी बोला तो बस इसलिए मैंने कहा मैं अपनी बात शेयर करूं कि बस 10 दिन में जो आपने बोला है ना, शायद 10 दिन भी ना लगे, शायद ओ इतना भी ना लगे, मैं इतना पूरी विश्वास से कह सकती हूँ। तो मैं मैम एक चीज बोल बोलना चाहूंगी पूनम जी आपको, आप बस एक बात बताइए जितने भी हमारे जूम के मेंबर हैं कि आपको ऐसा क्या अलग बताया है मैम ने जो इन सबको नहीं बताया, आपने क्या क्या किया है जो सेशन में कराया जा रहा है या उसके अलावा भी कुछ किया है? बिल्कुल नहीं मैम, जो मैम करवाती हूँ बस वही करती हूँ। बिल्कुल। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ सेशन में जो भी कराया जा रहा है वो आप सबको देखकर आपके हिसाब से ही कराया जा रहा है। अलग अलग शरीर पूरा एक है, हम पूरे एक हैं तो हमारी बॉडी पूरी एक है, तो अलग अलग पार्ट को अगर फोकस जो भी करेगा ना तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप पूरी बॉडी पे फोकस नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं समझ आता आप लोगों के क्या व्यूज हैं, पर यहाँ पर एंट्री करने के बाद हमारे फेस आपके स्क्रीन पे फेस देखने के बाद सेशन वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं पे एंड होता है जिस चीज की हमें जरूरत होती है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क किसी का लगना नहीं चाहिए। जो नए लोग हैं वो ठीक है अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, पर शायद 2-3 क्वेश्चन मार्क लगे, उसके बाद सबके, मैंने बिल्कुल पहली बार कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं सब सिर्फ सबकी बातें लास्ट तक सुनती हूँ, सारी चीजों का आंसर मिल जाता है। बिल्कुल और जो मैं बिल्कुल बिल्कुल। 30% करती थी, आज मैंने फुल एक्सरसाइज 100% आपकी। क्या बात है बहुत सुंदर पूनम जी। और जी मुझे अच्छी तरह याद है जब आपकी काउंसलिंग हुई थी तो आपने कहा दीवार पकड़ के चलती हूँ मैं, चल नहीं पाती। मैं चल नहीं पाती हूँ, मेरा बेटा मैं बैठती थी तो उठाता था, इतना मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी। अभी ओ मैं 6 किलोमीटर चली हूँ, वॉक पे भी जाती हूँ, अगर कभी निकलना रहा, सारी चीजें बेटे के साथ भी, वो डांसिंग क्लास डांस करता है टीवी में लगा के, मैं उसके साथ वो भी कर रही हूँ, मतलब फुल एंजॉय। जैसे जो मैं चल नहीं पा रही थी झुक गई थी, और मेरा वेट 76 था, अभी जो है 73 हुआ है, और हाइट 5 कितने दिन में हुआ ये पूनम जी 3 kg वेट? 15 दिन हुआ मैम, 15 दिन, हाँ 15 दिन।